अभी आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफल मिले हैं, कुछ बहुत ही कम है, कुछ मिले है, और ये है उनमें से एक। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो शुरुआत हो रही है वो खेतों से हो रही है, और सुबह सुबह खेत में निकल गया हूँ। यहाँ पे सुमित आया था, तो सुमित के साथ आया था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि मम्मी थोड़ा काम कर रही है, तो यहाँ पे आ गया, और अब यहाँ पे बैठेंगे। तो अब मम्मी देखो कैसे काम कर रही है, आपको वो भी दिखाते हैं। और खेत जो है उसमें बहुत ज़्यादा घास उग चुकी है, तो अब मशीन से हल लगाएंगे तो थोड़ा उसमें फंस जाएगी, तो मम्मी उसी को साफ़ कर रही है। तो चलो आपको वो चीज़ दिखाते हैं, और उसके बाद चलते हैं, आज का नया प्लान बनाते हैं कुछ। तो यहाँ पे मम्मी खेत की सफाई कर रही है, और ये यहाँ बहुत ज़्यादा घास उग गई थी, तो मम्मी इसको दंदों से साफ कर रही है, और इसको एक जगह पे इकट्ठा कर रही है। तो इस पर हम इसके बाद आग लगा देंगे, फिर जिससे सारा खेत साफ हो जाएगा, तो हमें हल लगाने में ईजी होगा, आसान होगा, और फिर जो ट्रैक्टर है उस पर ये घास वगैरह नहीं फंसेगी। शाम के 4 बजे सुमित और मैं जा रहे हैं काफल के ढूंढ में। तो सामने पे एक जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है, और यहाँ आगे पे एक पेड़ रहता है, तो आज उस पर जाके देखेंगे काफल आ रखे, क्योंकि जंगल पूरे जो है वो जल चुके हैं, और जंगल जलने के बाद थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि जंगल में काफल बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए। अगर नहीं बचे होंगे तो फिर बाद में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर बचे होंगे तो अभी से देख के आ जाते हैं कि कौन से पेड़ पर काफल है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें बाद में जाने के लिए हो जाएगा। तो दरअसल हम काफल देखने जा रहे थे, और इधर से आए नदी के पास से, तो यहाँ पे हिसोल मिल गई। तो पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रोज़ हिसोल ही खाता रहता है, लेकिन क्या करूँ, जब भी इनको देखता हूँ ना, तो मन इनकी ओर आकर्षित होता है, और पता नहीं क्यों इनमें क्या ऐसा जादू है, जब भी मतलब यहाँ से आता हूँ हमेशा टेस्ट करके जाता हूँ, ये वाले बहुत मीठे होते हैं, तो जब इनको खाते हैं ना काफ़ी अच्छा लगता है, और कभी कभी तो कांटे भी छूट जाते हैं हाथ पे। अब ये देखो पीछे देखो सुमित भाई को, अरे ये चिप गिरे, कैसे निकाल रहे हैं, ये पालवा पड़ा है। आज यहाँ पे एक बार फिर से मछली मारी गई है, चलो देखते हैं। और पता नहीं मतलब रोज ही कितनी मछलियाँ मिलती हैं इनको, रोज मारते रहते हैं। सुमित अब पुरानी बातें बता रहा है, तो अब देखो बचपन की बातें क्या होती है ना, कि जब हम कुछ भी बड़ा करते हैं तो हमें हमेशा याद आ ही जाती है। सुमित क्या बता रहा है कि जब हम छोटे थे ना, तो हम इन पत्थरों पे मतलब नहा के जब ज़्यादा ही नहाते थे, एक दिन में मतलब 5-6 बार नहा लो, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और उसके बाद मन करता है धूप सेकने का, तो पत्थर क्या होते थे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रखे होते थे, और उन पर पेट के बल लेट जाते थे, और मतलब धूप सेकते थे, तो कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, लेकिन कई बार क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन क्या करें, बचपन था, उतनी समझ थी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ही करते थे, और उस टाइम मज़ा इम्पोर्टेंट थी मतलब हमारे लिए। अब मतलब अब तो नदी में नहाने के लिए भी कोई तैयार होता नहीं है उतना, क्योंकि सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, और जब सेहत पे बात आ ही चुकी है, तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो भी बाहर रहते हैं शहरी इलाकों में, तो वो मास्क को पहने रखें, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि जो कोविड है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैंने बात की थी अभी अपने भैया वगैरह से, वो भी रहते हैं बाहर, तो वो बोल रहे थे कि मतलब कोविड बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें, इसको लापरवाही में ना लें, और अपना ध्यान रखें। अब हम जंगल के पास में पहुँच चुके हैं, तो आपको मेरे पीछे जंगल दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी घना जंगल है, लेकिन आग लगने की वजह से काफ़ी बेकार हो गया है। अगर आग नहीं लगी होती तो आपको पता इतना घना दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हरी हरी घास होती है वो डिपेंड करती है जगह को घने होने में, बड़े बड़े पेड़ तो बड़े बड़े होते हैं, तो काफ़ी ऊंचे होते हैं,
उनके बीच आपको ऊपर तक दिखाई देगा, लेकिन घास जो होती है जैसे इधर घास है, तो इसके कारण जो जंगल है वो काफ़ी घना दिखाई देता है। तो और पहुँच चुके हैं काफल के पेड़ के पास में, तो यह है काफल का पेड़ पीछे, तो इस पर देखते हैं कि काफल आ रखे या नहीं आ रखे। चलते हैं पहले काफल के पास। अभी आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफल मिले हैं, कुछ बहुत ही कम है, कुछ मिले है, और ये है उनमें से एक। तो अभी कच्चे हैं, पकने का टाइम नहीं हुआ, और हम देखने आए थे कि यहाँ पे काफल गए, लेकिन इस पेड़ पर काफल खाली इन दो टहनियों पे हैं, इन दो तीन टहनियों पे, बाकी पे नहीं है। तो इस बार मतलब काफल बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं, और अब क्या होगा आगे का, मतलब इस बार हमें काफल नहीं मिलेंगे। और काफल का जो एक बेहतरीन सा क्या बोलते हैं दृश्य होता है, जो दृश्य भी बोले और बेहतरीन सा फल होता है, वो हमें इस बार नहीं मिलेगा खाने को, और हम उसका वेट करेंगे अब अगली बार, क्योंकि इस बार बहुत कम है, जंगलों में आग लग चुकी है, तो काफ़ी दिक्कत हो गई है। वैसे बहुत मज़ा आता है काफल खाने में, काफल खाने का अलग ही मज़ा होता है। उत्तराखंड का एक फेमस फ्रूट है काफल, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उत्तराखंड के लिए, वो चीज़ है। आपने इस पर कहानी भी सुनी होगी छोटी बच्ची वाली, काफल पको मैंने चको, तो आप अब सुनोगे ना, जब काफल पकेंगे ना तो एक चिड़िया ऐसी बोलती है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। अभी हम काफल के लिए आए थे, और काफल बहुत ही ज़्यादा कम हो रखे हैं। तो काफल जो होता है ना वो गर्मियों में पकता है जून के महीने में, लेकिन हम इस बार इसलिए आए थे जल्दी देखने, क्योंकि आग लगी हुई है, तो आग की वजह से कहीं ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, तो वो भी ख्याल रखना पड़ता है। आग की वजह से हम पहले ही देखने आ गए थे कि कहीं काफल जो हैं वो नहीं हो रखे या हो रखे, क्योंकि एकमात्र ये पेड़ ऐसा है जिसपे मतलब काफ़ी टाइम काफल आते हैं, काफ़ी अच्छे काफल आते हैं, तो इसलिए हम सबसे पास में उसी में आए थे। और एक पेड़ है ये पीछे वाला, लेकिन इस वाले पेड़ में कभी आते नहीं है, पता नहीं क्यों उस पर कभी भी काफल नहीं आते। जब से मैं काफल लेने आता हूँ, मैंने जब से उस पेड़ को देखा उस पेड़ पर कभी काफल नहीं आते। तो चलो फिर आज काफल मिले नहीं, अब जून में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा देखेंगे, प्लान बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो काफल होंगे, वहाँ जाएंगे काफल लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो हम काफल दिखाने गए थे, और उसके बाद उनको दिखा के वापस घर आ चुके हैं, घर पे बैठे और थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, और बारिश आने का पूरे चांस है, और आसमान में गर्जनाएँ हो रही है। उसके अलावा मैंने रोज़ ही बताता हूँ कि शाम को पता नहीं मौसम को क्या हो रहा है आजकल, और रोज़ शाम को ख़राब हो रहा है, तो बारिश आ रही है। और अब थोड़ा घर पे बैठा हूँ, थोड़ा कुछ काम करता हूँ, देखता हूँ क्या करेंगे, और उसके बाद काफल का आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और इस बार आपके गांव में हो रखे हैं या नहीं हो रखे, किस किस गांव में नहीं होते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो थोड़ा वेट करते हैं और कुछ काम करते हैं। तो अभी गांव के बीच से थोड़ा गांव के ऊपर जा रहे हैं, और इधर जाएंगे, और यहाँ पे मतलब जो मौसम है ना ठीक हो रखा है, अभी ठंडा ठंडा है। उसके अलावा आपको पीछे दिखाई देगा ना बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा धुआं है, पता नहीं आजकल खेत में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो खेत में काम करने की वजह से जो खेत के मेंढ की साइड और ऊपर की साइड दीवार की साइड जो अतिरिक्त घास हो जाती है, सब उसको काट के इकट्ठा करके फिर उसको सुखा के जला रहे हैं, तो उसकी वजह से गाँव में बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रखा है गाँव के आसपास में। तो ये देखिए अब जो बारिश होगी उसकी वजह से ये पूरा साफ हो जाएगा, और हमारे गांव के पास में एकमात्र टावर है जियो का जो सामने पे है, उसी का नेटवर्क आता है, उसके अलावा बाकी कोई नेटवर्क नहीं आते हैं। एयरटेल का नेटवर्क इतना बेकार आता है कि जो घर के अंदर नहीं चल पाता है, तो नेटवर्क की भी थोड़ा प्रॉब्लम है गाँव में, तो मैं जियो का सिम यूज़ करता हूँ इसीलिए, क्योंकि जियो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि गाँव के पास में तो पहाड़ों में काफ़ी सुविधाएँ होती हैं, काफ़ी असुविधाएँ होती है, जैसे हवा होती है काफ़ी शुद्ध होती है, काफ़ी जो हमें भोजन मिल जाता है वो नेचुरल भोजन, और जो जिसको बोलते हैं जिसमें मतलब हर प्रकार के तत्व मिलते हैं जिससे शरीर हेल्थी रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें असुविधाएँ रहती है, जैसे सड़क की प्रॉब्लम है, आपको सड़क में जाना होगा तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो चलो अब आपसे मिलते हैं
अगले ब्लॉग में। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके अलावा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय दोस्तों।